कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मध्य प्रदेश के संदर्भों में इस कहावत को कुछ यूं माना जा सकता है कि जब भैया भय मंत्री तो डर काहे का। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थित मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मामले में ये बात बिल्कुल सही मानी जा सकती है, जो प्रदेश के पावर मंत्री हैं। पावर इसलिए क्योंकि उनके पास ऊर्जा विभाग है, और पावर इसलिए भी क्योंकि अभी सिंधिया समर्थक कुछ ज्यादा ही पावर में चल रहे हैं, जिनके रिश्तेदार भी इस पावर का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे। तोमर के भाई पर इल्जाम है कि उनके क्रशर पर 95 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है, लेकिन पुराने बकाया बिल चुकाना तो दूर, मंत्री जी के भाई हर महीने लाखों की बिजली खर्च किए दे रहे हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और सवाल किया है कि 2000 का बिजली बिल न चुकाने पर भी आम उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाती है, तो क्या शिवराज अपने मंत्री के भाई पर कुछ एक्शन लेंगे? हालांकि सरकार से इसका कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जरूर इस मामले पर रिएक्ट किया है। ट्वीट में तोमर ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार समान और सद्भावना वाली जन सरकार है। मैं बिजली कंपनियों को निर्देशित करता हूं कि वो उपभोक्ता के रूप में मेरे परिवार और शुभचिंतकों और मध्य प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। मंत्री जी ने ट्वीट तो कर दिया, पर उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया भी झलक ही गया। जिस तरह उन्होंने लिखा है कि सद्भाव वाली जन सरकार है, पर ये भूल गए कि इस जन सरकार में सबको बिजली का इस तरह इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता, ना ही बिल न जमा करने की स्थिति में सबको सम्मानपूर्वक बिजली की सप्लाई मिलती रहती है। इस बारे में मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, जवाब का इंतजार रहेगा।